नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन दोस्तों आज ट्वेंटी जून uh, 2022 है दिन है सैटरडे सबसे पहले तो थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर योर लव फॉर योर सपोर्ट फॉर योर प्रेयर्स फॉर योर वेल विशेस मैंने बताया था आप सभी को कि आई एम सफरिंग फ्रॉम एन इंजरी इनफैक्ट आई एम रिकवरिंग फ्रॉम एन इंजरी तो अभी धीरे uh, धीरे जो हैं वो चीज़ें जो हैं वो सॉट आउट हो रही हैं इन देंस के जो एक इंजरी हुई है तो अभी उसमें रिकवरी जो है वो काफ़ी अच्छी आ रही हैं सो दैट इज़ ए गुड थिंग अब दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स जो हैं वो मुझे पढ़ने को मिलते रहते हैं और सच बताऊं तो डॉक्टर ने मुझे बताया है कि आई शुड नॉट वर्क मुझे काम जो है वो अभी नहीं करना है बेड रेस्ट ही ज़्यादा लेना है और जो एडिटोरियल एंड आर्टिकल एनालिसिस की सीरीज़ है दोस्तों उसको बनाने में लेट मी टेल यू कितना वक्त लगता है जो आर्टिकल्स में आपके लिए पढ़ता हूँ एज़ यू नो के बहुत सारे न्यूज़पेपर्स जो हैं उनके आर्टिकल्स को पढ़ने के बाद उसमें से चार से पाँच आर्टिकल्स को सिलेक्ट करने की पूरी जो प्रोसेस है टेक्स रफली टू आवर्स राइट कम से कम दिस इज मिनिमम टू आवर्स राइट मिनिमम टू आवर्स लगती हैं अब मैं इतने सालों से ये कर रहा हूँ तो ये स्पीड जो है ये थोड़ी अच्छी मैं मानता हूँ कि भाई टू आवर्स इज़ इट्स इट्स गुड टाइम लेकिन अगर आप स्टार्ट करें आई रिमेंबर कि मैं मैंने जब स्टार्टिंग की जब एडिटोरियल्स और आर्टिकल्स को पढ़ने की शुरुआत की राइट वैन आई वॉज़ लाइक स्टूडेंट uh, आज भी मैं स्टूडेंट ही हूँ आई आई लाइक टू लर्न थिंगस और इसमें ऐसा नहीं है कि आई एम द गुरु एंड यू आर द स्टूडेंट्स वी ऑल आर स्टूडेंट्स राइट वी ऑल लाइक टू लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे और यही एटीट्यूड होना चाहिए कि हम हमेशा स्टूडेंट रहें तो जब मैंने शुरुआत की थी तो इट यूज टू टेक फोर आवर्स फाइव आवर्स उससे भी ज़्यादा वक्त लगता था अलग अलग न्यूज़ पेपर्स के आर्टिकल्स को पढ़ने में और उसमें से जो अच्छा आर्टिकल है उसको साइड में रखना बुरे आर्टिकल्स को तो ये फ़िल्टर प्रोसेस काफ़ी तो वो मेहनत जो है उस टाइम पर बहुत ज़्यादा रहती थी लेकिन आज जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है कि उस टाइम पर मेहनत इसलिए शायद होती होगी या फिर उस उस लिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो मुझे करनी पड़े क्योंकि एक समय ऐसा आएगा मुझे पता नहीं था लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब ये आर्टिकल्स एंड एसिसिस जो हैं वो मैं दूसरे लोगों के साथ शेयर करूंगा इन द सेंस जैसे मैं आपको पढ़ाता हूं तो वैसे आपको पढ़ाऊँगा ये सारी चीज़ें तो वो मेहनत जो है वो यहाँ पर मुझे बहुत काम आ रही है तो दो आ, टू आवर्स लगते हैं दो घंटे लगते हैं इनको पढ़ने में और सारी चीज़ें फिर पीपीटी बनाने का काम है यू नो और उसके बाद रिकॉर्ड किया जाता है पूरे लेक्चर को और फिर आपके साथ वो शेयर किया जाता है तो आप उसमें पकड़ लीजिए इट टेक्स अनाथ मिनिमम वन एंड हाफ़ आवर तो ये पूरा एक आप एक थ्री पॉइंट फाइव आवर्स से लेकर फोर आवर्स की पूरी वो एक गेम होती है और बहुत मेहनत होती है इतनी आप कितने सारे आर्टिकल्स होते हैं इतने में तो मैं दूसरे वीडियोस बना सकता हूँ दूसरे जो टॉपिक्स होते हैं तो ऐसे वीडियोज़ भी बनाए जा सकते हैं लेकिन सीरीज़ की डेफ़िनेटली एक अहमियत होती है भले ही इसके कंपेयर टू तो दूसरे जो हैं वो उतने व्यूज़ ना आए लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि इस सीरीज़ के माध्यम से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन को क्रैक किया है सो दैट्स द थिंग यू नो सो आई अंडरस्टैंड कि इसका इम्पोर्टेंस आपके जीवन में बहुत ज़्यादा है लेकिन मैं मैंने कई बार अगर आपने मुझे लंबे समय से फॉलो किया है मेरे लेक्चर्स को फॉलो किए हैं तो मैंने हमेशा कहा है कि एक दिन ऐसा आएगा दोस्तों आपके जीवन में आएगा और आना ही चाहिए कि आपको प्रशांत मामाणी सर के लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट ना रहें आपको पढ़ाई के लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मेरी रिक्वायरमेंट्स ना रहें राइट दैट मीन्स कि आप खुद पढ़ाई करने लगे, आप चीज़ों को समझने लगे आपके अंदर वो कैपेसिटी बिल्डअप हो जाए उसके बाद जब आपकी खुद की पंख आ जाए जब आप खुद उड़ सकें तो फिर आप वेट नहीं करेंगे ना माले में बैठकर थोड़ी वेट करेंगे कि यहाँ पर आकर कोई मुझे फीड करेगा आपको खुद हंट करने के लिए जाना पड़ेगा आपको खुद दाने जो हैं वो खाने के लिए जाना पड़ेगा तो हमेशा से मेरा यही एक लक्ष्य रहा है टू बी ऑनेस्ट आई एम बींग वेरी फ्रेंक मैंने इससे पहले जो कंपनी में जॉब करता था तो जब मेरी शुरुआत हुई थी लाइक like, इंट्रोडक्शन का जो टाइम था बातचीत चल रही थी फ़ोन पर आई एम टॉकिंग आज से पाँच साल पहले की बात है तो उस टाइम पर भी मैंने यही चीज़ बताई थी कि Uh, मेरा जो मेन लक्ष्य है वो यही है कि क्योंकि यही चीज़ मैंने अपने टीचर्स से सीखी है कि आज मैं अपने टीचर्स के पास हर रोज़ नहीं जाता हूँ राइट वो हमेशा मुझे याद हैं एंड हमेशा मैं उनको उतनी ही रिस्पेक्ट जब तक जिंदा हूँ देता ही रहूँगा इसमें कोई डाउट नहीं है उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है मेरे जीवन में लेकिन अब उन्होंने मुझे ऐसा हेल्प किया ऐसा गाइड किया है कि आई एम ऑन माई ओन राइट द सेम थिंग एक टीचर के लिए सबसे बड़ी जीत यही होती है कि उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो आत्मनिर्भर बन जाए तो जब तक ये सीरीज नहीं आ रही है राइट आई डू अंडरस्टैंड कि आपके अंदर भी एक वॉइड वाली सिचुएशन वॉइड इन द सेंस एक खालीपन आपको भी लग रहा होगा मुझे भी लग रहा है Uh, मैं न्यूज़ सोते सोते मोबाइल में पढ़ लेता हूँ लेकिन वो मज़ा नहीं आता राइट आई हैव टैबलेट एज़ वेल टैबलेट में भी लेकिन अगेन वो मज़ा नहीं आता आप सोच रहे होंगे कि सोते सोते लैपटॉप पर भी काम किया जा सकता है द थिंग इज़ उससे भी यू नो लैपटॉप पाँच दस मिनट के लिए ठीक है लेकिन उसके बाद उसका भी वेट आपको बॉडी पर लगने लगता है तो ये सारी चीज़ें करने के लिए मुझे कहा है नहीं ये सारी चीज़ें नहीं करनी आप रेस्ट कीजिए राइट uh, तो वही मैं चीज़ कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये समय जो है ना ये डिफ़िकल्ट समय का बेस्ट इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं कैसे आप खुद पढ़िए भले ही पाँच छः आर्टिकल्स आप ना पढ़ पाएं भले ही आपको ऐसा लगे कि आपको पता नहीं चल रहा है कौन सा आर्टिकल इम्पोर्टेंट है नहीं है स्टार्ट रीडिंग राइट एंड कीप ऑन रीडिंग एंड हेल्प योर सेल्फ दिस इज़ द की टू सक्सेस ये चीज़ याद रखिएगा कि जब आप ख़ुद एफर्ट्स लगा कर चीज़ों को पढ़ेंगे उससे जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो बेनिफिट आपको कोई वीडियो में से नहीं मिलेगा सच बता रहा हूँ मैं आपको तो आप खुद पढ़िए दोस्तों राइट अभी का जो वक्त है थोड़े दिनों के लिए अब सीरीज़ की शुरुआत कब होगी कैसे होगी ये मैं आपको ट्यूसडे को ही बता पाऊँगा मंडे इवनिंग को मेरी अपॉइंटमेंट है और मंडे इवनिंग को पता चलेगा कि अब डॉक्टर साहब का नेक्स्ट ऑर्डर क्या है तो अगर ट्वेंटी एट्थ यानी कि ट्वेंटी सेवन्थ को मंडे हैं तो ट्वेंटी सेवन्थ को अगर वो मुझे कहते हैं कि आप दो uh, तीन घंटे बैठकर थोड़ा बहुत काम करें फिर ब्रेक ले लीजिए ऐसा कुछ कहेंगे देन ट्वेंटी को मैं बता दूंगा वरना फिर ट्वेंटी एट को आपको छोटा सा एक और वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा कि नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या होने वाला है बट मेक श्योर टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको राइट right, फाइनेंशियल uh, न्यूज़ जो हैं वो मोबाइल में भी अवेलेबल हैं न्यूज़पेपर अगर आपके पास नहीं आता है तो इट्स ओके मोबाइल में बहुत सारी वेबसाइट्स हैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस में चले जाइए इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट देख लीजिए uh, दूसरे भी सोर्सेज होंगे आप, आप देख सकते मैंने एम श्योर sure आपको पता ही होगा इन सारी चीज़ों के बारे में तो आप देख लीजिए राइट right? जितना समझ में आए उतना समझने की कोशिश कीजिए ये वक्त बर्बाद नहीं हो रहा है राइट दिस इज़ लाइक यू आर ट्रेनिंग योर सेल्फ और इसीलिए मैंने बताया कि आज से लगभग आप पकड़ लीजिए आठ नौ साल पहले की बात है शायद दस साल भी हो गए होंगे बात को उस टाइम पर जब मैं एडिटोरियल्स और आर्टिकल्स पढ़ने के लिए बैठता था सुबह तो दोपहर लंच टाइम तक मुझे वही उस वही एक पेज जो होता है न्यूज़पेपर का उसमें ही मैं था रहता था क्यों क्योंकि मुझे चीज़ें उतनी ज़्यादा समझ में नहीं आती थी मैं बचपन से करंट अफेयर्स को फॉलो नहीं करता था तो मुझे इतना कोई देश दुनिया के बारे में पता नहीं था भले ही मेरे मैंने बैचलर्स डिग्री हासिल कर ली थी मास्टर्स uh, डिग्री हासिल कर ली ले थी लेकिन आई वॉज नॉट दैट मच अवेयर अबाउट वॉट्स गोइंग ऑन अराउंड द वर्ल्ड ओके तो उस टाइम पर इतना वक्त लगता था लेकिन फिर भी मैंने वो कंटिन्यू किया एंड uh, वो मैंने स्ट्रगल देखा है राइट right? मेरे खुद महसूस किया है दैट वन तो आई कैन टेल यू कि अगर आप खुद रीड करेंगे ना अगर आपको लगेगा स्टार्टिंग में अभी लगेगा कि ये टाइम वेस्ट है बट इट्स नॉट वेस्ट ऑफ टाइम यू आर ट्रेनिंग योर माइंड यू आर ट्रेनिंग योर माइंड कई लोग मुझे ये भी कहते हैं कि क्योंकि मैं बचपन से इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूँ फ़ौरन भी रहा साढ़े पाँच छः साल तो लोग मुझे कहते हैं कि आपकी अंग्रेज़ी जो है वो मीन्स हमें अंग्रेज़ी इंप्रूव करनी है लेकिन जब पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो कुछ शब्द हमें समझ में नहीं आते बट इतने साल मैंने इंग्लिश लैंग्वेज के साथ बिताए हैं और आज भी जब मैं किताब पढ़ने के लिए या फिर न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए बैठता हूँ तो आज भी आज भी मैं डिक्शनरी का इस्तेमाल करता हूँ द थिंग इज कई बार नए नए शब्द जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं लेकिन जो चीज़ लोग इग्नोर कर देते हैं ये जो मेहनत की ना पहले आज से आठ नौ नौ दस साल पहले की जो मैं ये एडिटोरियल एंड ना, आर्टिकल एनालिसिस की बात बता रहा था तो उसमें कैसे मेहनत की कि जो चीज़ समझ में नहीं आती थी तो उसको रेफरेंस बुक में ढूंढना यू नो उसकी रिसर्च करना तो इसलिए ये वक्त लगता था इतना ज़्यादा तो अंग्रेज़ी का कोई ऐसा शब्द आता है जो मुझे पता नहीं है तो मैं ऑन द स्पॉट डिक्शनरी में वो देख लेता हूँ उसके सेंटेंसेस को पढ़ लेता हूँ उसको समझने की कोशिश कर लेता हूँ उसमें तीन चार मिनट्स में इन्वेस्ट करता हूँ लेकिन आज सिचुएशन ऐसी है कि वोकेबुलरी जो है वो इतनी अच्छी हो गई जो थी उससे काफ़ी अच्छे हो क्योंकि एक लंबे समय से ये प्रैक्टिस रही है तो दिस इज दिस आर सम स्मॉल एग्जांपल्स कि जो चीज़ समझ में ना आए उसको वहाँ पर मत छोड़ दीजिए इट्स नॉट वेस्ट ऑफ टाइम यू शुड इन्वेस्ट योर एनर्जी कि उसके ऊपर थोड़ी रिसर्च कीजिए फिजिकल डेफिजिट क्या है ये पता नहीं है तो फिर बाद में सर एक्सप्लेन करेंगे तब समझेंगे ऐसा मत करिए अगर नए स्टूडेंट हैं नए इन देंस अभी अभी तैयारी स्टार्ट की है तो फिजिकल डेफिजिट का मतलब पता नहीं है तो उस टाइम पर गूगल करके देख लीजिए व्हाट इज़ फिजिकल डेफिजिट उसको समझिए राइट सो दैट्स एवरी थिंग फ्रेंड्स अब बहुत हो गया मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं और uh, जो स्टूडेंट्स हैं राइट जिनको इस अपडेट के बारे में पता नहीं है तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़रूर उनको बता दीजिएगा अगर कमेंट सेक्शन में आपको कोई ऐसे स्टूडेंट मिलते हैं तो उनके साथ ये लिंक जो है वहाँ पर कमेंट सेक्शन में शेयर कर देना ताकि उनको पता चले कि ये सीरीज़ के साथ क्या चल रहा है अभी क्यों यहाँ पर एक ब्रेक लगा हुआ है and that's everything thank you very much for your love and support right curiously education channel is growing uh, growing काफी अच्छी तरीके से growth हो रहा है right और काफी सही दिशा में इसका growth हो रहा है आज से छह महीने पहले पांच महीने पहले जब से चैनल की शुरुआत की है तो उस टाइम पर मुझे पता नहीं था कि मैं इतने समय में यहाँ पर पहुँचूँगा और यहाँ तक पहुँचा उसके पीछे जो मेन रोल है वो आप सबके प्यार का है आपने आपने वीडियो को शेयर किया आपने इतनी रिस्पेक्ट दी और आपकी वजह से कॉन्फिडेंस मिलता है कि नहीं जो मैं कर रहा हूँ वो सही हो रहा है यू you नो know? तो ये आपसे मिलता है तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट थैंक यू वेरी वेरी मच एंड आई विल सी यू सोन मैं कुछ छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियोज़ बनाता रहूँगा ठीक है